डोरेमोन, तुम मुझे ये बताओ कि डैडी मुझे भी निंजा बाइक क्यों नहीं दिलवाते हैं? मुझे भी निंजा बाइक लेनी है। अरे नोबिता, किसी का सामान देखकर ऐसे फिजूल जिद नहीं करते हैं। नहीं डोरेमोन, मुझे भी निंजा बाइक चाहिए। तुम्हें पता है ना, इस संडे सुनियो अपनी निंजा बाइक लेकर आएगा और फिर वो तो मुझे चलाने भी नहीं देगा, बस दूर से ही देखने देगा, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तो डोरेमोन, मुझे भी एक निंजा बाइक चाहिए। नहीं नोबिता, ऐसा नहीं करते हैं, किसी की चीज़ें देखकर हिरस नहीं करते हैं। तुम्हें तो पता ही है ना नोबिता कि डैडी की इनकम तो इतनी नहीं है कि वो हर हफ्ते तुम्हारे लिए इतना महंगा टॉय खरीद सकें। तो डोरेमोन, मुझे कब मिलेगी नई निंजा बाइक? अरे नोबिता, जब तुम खुद बड़े हो जाओगे और फिर तुम खुद कमाना सीखोगे, तब तुम अपने लिए अपनी बाइक खुद खरीदना। अरे नहीं डोरेमोन, अभी तो इसमें बहुत टाइम है, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। तो नोबिता, इसी वजह से तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, जी लगाकर पढ़ना चाहिए, ताकि बड़े होकर तुम्हें बहुत ऊंची इनकम हासिल हो सके। अच्छा अच्छा डोरेमोन, मैं समझ गया। हुर्रे, ये देखो दोस्तों, मेरी नई निंजा बाइक आ गई। इसे मेरे डैडी बहुत महंगी लेकर आए हैं, उन्होंने ये स्पेशल मेरे लिए जापान से मंगवाई है। अब इस बाइक को मैं अपने सभी दोस्तों को दिखाऊंगा और सभी समझ पाएंगे कि ये कितनी महंगी है। सभी देखकर इसे कितना चिढ़ेंगे सभी इसे देखकर। और वैसे भी आज संडे है, तो सभी दोस्तों हमारे घर ही आने वाले हैं, तो मैं इसे सभी को दिखाऊंगा, मगर मैं इसे किसी को भी छूने नहीं दूंगा। लगता है दोस्तों कोई आया है, बेल की आवाज़ आ रही है। ओ जियान, तुम थे? हाँ हाँ सुनियो, मैं हूँ, क्योंकि मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, मैं तुम्हारी नई बाइक देखना चाहता था। ओ अच्छा जियान, तो देख लो, मगर इसे छूना मत। ओ सुनियो के बच्चे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ये कहो कि बाइक को छूना मत, अभी सबक सिखाऊं मैं तुम्हें? अरे नहीं नहीं जियान, वो तो बस मैं ऐसे ही कह रहा था, तुम इसे छूकर देख सकते हो। चलो पीछे हटो, अब मैं इसे देखूंगा सही से, और मैं इसे चलाकर भी देखूंगा कि ये बाइक चलने में ठीक भी है या फिर नहीं है। अरे अरे जियान, ध्यान से। ओ सुनियो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है या नहीं करना। अब मैं इसे पूरी तरह से चेक करूंगा कि ये बाइक सही भी है या फिर नहीं है। चलो सुनियो के बच्चे, पीछे हो जाओ, अब मैं इसे पहले खोलकर चेक करता हूँ कि ये अंदर से कैसी है, मजबूत भी है या फिर नहीं है। अरे 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 जियान, ऐसा मत करना, ये खराब हो जाएगी। ओ सुनियो के बच्चे, बिल्कुल चुप रहो, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा, समझे तुम? बिल्कुल चुप रहो, वरना तुम जानते हो मैं कितना ताकतवर हूँ। जरा नीचे से देखूं, नीचे से तो ये बहुत मजबूत लग रही है। इस बाइक का ये टायर भी बहुत मजबूत लग रहा है। अरे जियान, तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी बाइक खराब हो जाएगी, प्लीज ऐसा मत करो। ओ नोबिता, मैंने कहा ना कि बिल्कुल चुप बैठो, मैं खुद देखकर बताऊंगा कि ये बाइक अच्छी है या फिर बुरी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, तुम बिल्कुल अपना मुंह बंद रखो। अरे जियान, डैडी मुझे मारेंगे अगर तुमने मेरी नई बाइक खराब कर दी। मैं इसे ठीक करना भी जानता हूँ, चुप रहो तुम। अरे जियान, ये तुमने क्या किया, तुमने मेरी पूरी बाइक को बर्बाद कर दिया, अब मैं इसे अपने दोस्तों को कैसे दिखाऊंगा? ओ सुनियो, बिल्कुल चुप रहो, मैं इसको सही करना भी जानता हूँ, तुम बस देखते जाओ। नहीं जियान, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी पूरी बाइक बर्बाद कर दी। अरे सुनियो, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी इसको तुम्हें पूरी ठीक करके दिखाता हूँ। सुनियो, ये थोड़ा मुश्किल काम है, मगर तुम देखते जाओ, मैं इस बाइक को पहले जैसी कर दूंगा। ओ अच्छा जियान, पर मुझे देखकर तो नहीं लग रहा। तुम जानते नहीं सुनियो, मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं इस बाइक को जरूर ठीक करके रहूंगा। ओके ओके जियान, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे अब मैं क्या करूँ, ये बाइक तो मुझसे जुड़कर नहीं दे रही। मैं ऐसा करता हूँ, मम्मा के किसी काम का बहाना करके यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ। ओ सुनियो, मेरी एक बात सुनो, मम्मा ने मुझे कुछ ज़रूरी काम बताया था, पहले मैं उनका सामान लेकर आ जाता हूँ, फिर मैं आकर तुम्हारी बाइक को पहले जैसा कर दूंगा। अरे अरे जियान, ऐसा मत करो, पहले इसको सही कर दो। मैंने तुमसे क्या कहा, तुम्हें मेरी समझ में नहीं आती मेरी बात, अभी मुझे मामा का सामान लेकर आना है, मैं जा रहा हूँ, समझे तुम? अरे नहीं जियान, ऐसा मत करो। जियान ने मेरी पूरी बाइक तोड़ दी, अब मैं क्या करूँ? लगता है सभी दोस्त आ गए मेरी बाइक देखने, अब मैं उन्हें ये टूटी हुई बाइक दिखाऊंगा। जियान बहुत बुरा है, वो मेरी सभी चीज़ें बर्बाद कर देता है।
अरे सुनियो, हम सब तुम्हारी नई बाइक देखने आए हैं। ओ दोस्तों, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी सारी नई बाइक को जियान ने ख़राब कर दिया। जियान बहुत बुरा है, देखो उसने मेरी नई बाइक ख़राब कर दी। अरे जियान तो सच में बहुत बुरा है, वो सबकी चीज़ों को बिगाड़ देता है। देखो देखो, अब मैं अपने डैडी को क्या जवाब दूंगा। अरे अरे सुनियो, रो मत। अरे नोबिता, डोरेमोन देखो, मेरी बाइक टूट गई, अब मैं डैडी को क्या जवाब दूंगा। अरे सुनियो, अभी तुम थोड़ा सा वेट करो, अभी डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से तुम्हारी इस बाइक को पहले जैसा कर देगा। ओ अच्छा अच्छा नोबिता, क्या डोरेमोन सच में अपने गैजेट की मदद से मेरी बाइक को पहले जैसा कर देगा? हाँ सुनियो, तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारी बाइक को पहले जैसा कर देता हूँ। रिपेयरिंग टूल गैजेट। तो देखो सुनियो, ये रिपेयरिंग टूल गैजेट है, इसकी मदद से तुम्हारी बाइक पहले की तरह रिपेयर होकर नई हो जाएगी। ओ अच्छा डोरेमोन। ओ थैंक यू डोरेमोन, तुमने तो मेरी बाइक पहले जैसी कर दी। इट्स ओके। अरे दोस्तों देखो, मेरी बाइक देखने में कितनी अच्छी है ना। हाँ हाँ, ये देखने में बहुत अच्छी है। ओ नोबिता, चलो इससे दूर हटो। अरे सुनियो, मैं तो सिर्फ देख रहा था। नहीं, अब मेरी बाइक पहले जैसी हो गई है, क्या पता तुम इसे हाथ लगाकर ख़राब कर दो। अरे नहीं सुनियो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। चलो दोस्तों, अब तो सभी अपने घर जाओ, अब मैं अकेला अपनी बाइक से खेलूँगा। ओ देखा डोरेमोन तुमने, सुनियो कितना ज़्यादा सेल्फिश है, उसने मुझे अपनी बाइक को टच भी नहीं करने दिया। अरे कोई बात नहीं नोबिता, हमें अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए। हाँ डोरेमोन, तुम सही कह रहे हो, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, फिर क्योंकि जब हमारा वक्त आता है तो वो लोग भी हमारी मदद करते हैं ना डोरेमोन। हाँ हाँ नोबिता, हमारे वक्त पर भी लोग हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।